हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी राखी टेरिस गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर अक्सर वीडियो देखते हैं, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा देती हूँ। होममेड फर्टिलाइज़र है, आप बहुत ध्यान से देखिए और आप अपने प्लांट्स में दीजिए। इससे आपके प्लांट्स में फ्लावर बहुत ज़्यादा आएंगे। सर्दियों में फ्लावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं प्लांट्स पर, तो उनका पीरियड भी कम होता है, 4 या 5 महीने के होते हैं। तो उनको एक सॉलिड फर्टिलाइज़र चाहिए जो कि हर 10 दिन बाद चाहिए उनको। हम अपने समर्स प्लांट्स में तो थोड़ा गैप के बाद फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन हमें विंटर्स प्लांट्स में बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देना पड़ता है ताकि वो फ्लावर्स ज़्यादा दें, क्योंकि 4 या 5 महीने के लिए ही प्लांट होता है। तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी आज, कंपोस्ट टी। ये देखिए आप, मैंने क्या लिया है, वर्मी कंपोस्ट। बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए कितनी भुरभुरी वर्मी कंपोस्ट है। देखिए आप, सूखी हुई बिल्कुल, ना कोई स्मेल है ना कुछ है। उसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई है और इसमें जितनी नीम, मैंने एक पार्ट लिया है वर्मी कंपोस्ट, उसका आधा पार्ट नीम खली और आधा पार्ट मैंने लीव कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, जो कि मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। देखिए आप कितनी अच्छी लीफ मोल्ड बनी है और ये बहुत अच्छी खाद होती है। आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ को सिर्फ पानी में मिक्स करना है। ये देखिए आप, इस तरह से आप इसको पानी में मिक्स कर दीजिए, ये देखिए, और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। और आपको इसको 10 दिन के लिए ढक कर रख देना है। 10 दिन ढकने के बाद जब ये टी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको इसमें से एक मग टी निकाल के उसके ही कम से कम 10 लीटर पानी में, एक मग टी 10 लीटर पानी में मिक्स करके आपको हर 10 दिन बाद, ये देखिए आप इस तरह से लीजिए, एक मग टी लीजिए और इस 10 लीटर पानी में मिक्स कीजिए सिर्फ इसके एक को, और आप उसको हर 10 दिन बाद अपने प्लांट्स में दीजिए। उसके बाद आप देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग आएगी आपके प्लांट्स पर कि पूरा गार्डन आपका खिलखिला उठेगा। और आप इसको छानकर अपने लीव्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं। लीव्स पर जब हम कोई खाद स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो आप इसको लीव्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी खाद होती है, बहुत अच्छी टी बनके तैयार होती है, 10 दिन के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। और आप एक बड़े बकेट में बनाइए, पूरी सर्दियों आपको एक बार ही बनानी है और पूरी सर्दियों आपके काम करेगी ये टी। तो क्यों ना आप भी अपने गार्डन में ये टी का यूज़ कीजिए बनाकर, और फ्लावर पाइए ढेर सारे प्लांट्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।